हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास प्लस टू फिजिक्स की जो यूनिट 8 है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसमें चैप्टर है सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज द रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज दिस इज 2.8 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 है, उसमें हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ लेड न्यूक्लियस, हमने ये लेड के लिए हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है जो R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस्ट वर 1/3। सो आर नॉट की वैल्यू हम यहाँ से आर नॉट इज जो रेडियस है यहाँ पे कॉन्स्टेंट वो हम निकाल लेंगे। सो आर नॉट इज इक्वल टू आर अपॉन ए रेस्ट वर 1/3, क्योंकि रेडियस हमें गिवन है। ये रेडियस की वैल्यू हमें ऑक्सीजन की गिवन है, सो यहाँ पे हमने पुट कर दी। अपॉन में ए की वैल्यू हमें पता है, ए इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसकी पावर 1/3, 2.8 × 10⁻¹⁵ अपॉन में हमने इसको 16 को हमने मतलब इसको 1/3 पावर में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 2.52 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आ गई है जो कांस्टेंट है रेडियस। उसके बाद हमने लेड के लिए निकालना है रेडियस, तो लेड के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेस्ट पर 1/3। आर नॉट की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली है जो कि आई हमारे पास 1.1 × 10⁻¹⁵ इंटू ए की वैल्यू हमें पता है लेड के लिए कितनी होती है 205 की रेस्ट पावर 1/3। इसकी अगर हम 1/3 करेंगे तो वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.90। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो लेड की वैल्यू है, लेड का जो रेडियस है वो आ जाएगा 6.55 × 10⁻¹⁵ मीटर। सो ये हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल में था जो हमने लेड के लिए रेडियस निकालना था, वो हमारे पास ये आ गया। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर द रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर 1 and 27 रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो कंपेयर देयर न्यूक्लियस डेंसिटीज। हमने उनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज को भी कंपेयर करना है और हमें जो उनके न्यूक्लियर के रेडियस हैं वो भी हमें गिवन है। सो हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो a1/a2 इनका वन, मतलब हमें पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास a रेस्ट पावर, ये हमारे पास एक्चुअल में फॉर्मूला होता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3। तो ये 1/3 है, सो हम इसको लिख सकते, ऐसे लिख लिया हमने a1/a2 इसकी रेस्ट पर 1/3। a1 हमें 1 है और गिवन है, a2 हमारे 27 गिवन है, इनकी रेस्ट पर 1/3। 27 को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, सो ये 3 को इनको 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं × 1/3, ये कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास रिमेनिंग आया 1/3, हमारे पास रेशो आ गई है जो रेडियाई की वो आ गई है 1:3। और अगर हमने इनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी का भी कंपैरिजन करना है, बट जो इनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर पे, सो इसलिए जो हमारे इनके जो डेंसिटीज़ है वो हर एक न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है। इट मीन्स कि इनकी रेशो होती है इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मास नंबर के ऊपर। ओके, सो ये आज की हमारी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमने ये एक में हमने इनके कंपैरिजन किया रेडियस का और दूसरे में हमने रेडियस फाइंड किया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।